ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से यूपी में अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। गुरुवार को यहां पूर्वी यूपी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने बहराइच शहर स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर माथा टेका। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पूर्वी यूपी में अपनी पार्टी को संचालित करने के लिए बहराइच में पार्टी कार्यालय खोलने आए थे। उन्होंने गुरुवार को कैंप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में लाखों मौतें हुई हैं। गंगा नदी में गरीबों का शव बहते हुए सभी ने देखा है। नदी के किनारे शवों को कुत्ते बेदर्दी से नोच रहे थे। सत्ता में बैठने वाले लोगों का इस हृदय विदारक दृश्य के बावजूद दिल नहीं पसीजा। आम लोगों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था। हुकूमत की अनदेखी से तमाम बहनें बेबा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से घरों में त्राही त्राही मची है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र व राज्य में शासन करने वाले लोग आखिर देश को किधर ले जाना चाहते हैं। कार्यक्रम के बाद असदुद्दीन ओवैसी सीधे गाजी मियां की दरगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेकने के बाद चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती की दुआएं मांगी। ओवैसी के आगमन को लेकर पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के भीतर भारी जोश देखा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, जिला अध्यक्ष मिर्जा शमीम बेग, मौलाना सिराज मदनी, मौलाना लईक अहमद शाह, आदिल खान, मुख्तार खान, तौकीर खान, फरहान खान, सैयद अकरम सईद, मकीन अहमद मेकरानी, सिराजुल हक, मुजम्मिल अंसारी आदि शामिल रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद पश्चिम बंगाल में भी प्रत्याशी उतारने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी व छोटी पार्टियों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ कर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव होंगे तो इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार अल्लाह के फज़्ल और करम से आप तमाम की दुआओं की वजह से कामयाब और कामरान होकर मजलिस के हरे परचम को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में मजलिस भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है, जिसके कन्वीनर हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। और इस संकल्प मोर्चा में और भी दीगर जमाते हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलूम आवाम को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, मजलूम आवाम को उनका जायज मुकाम हासिल होना चाहिए, मजलूम आवाम को उनके बच्चों को उनके बेटियों के तालीम का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए स्कूल और कॉलेज और अस्पताल का कायम होने लाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कोविड से लाखों लोगों की मौत हुई है। गंगा के ऊपर गरीबों की लाशें बह रही थी, नदी के किनारे लाशों को कुत्ते नोच कर खा रहे थे, लोगों आवाम को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा था। आज जो बेवा हमारी बहनें बेवा हो चुकी है, वो बड़ी उम्मीद के साथ ओम प्रकाश राजभर के भारतीय संकल्प मोर्चा की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का मुकाबला होगा तो उन बेवाओं से होगा जिसकी हुकूमत ने उनको बेवा बना दिया कोविड के सेकेंड वेव में, उन बच्चों से होगा जो यतीम हो गए, जो बीजेपी की सरकार ने उनके माँ बाप को बचाने का काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिनको इस हुकूमत ने यतीम बना दिया। उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी का मुकाबला होगा उन नौजवानों के साथ
जिनको 4.5 साल में बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया हो, आज बीजेपी का मुकाबला इन तमाम लोगों से होगा। ये मीडिया ये चाहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत को सामने रखकर योगी का मुकाबला किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी एक शख्स का नाम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की जबान उन बेवाओं के लिए इंसाफ के लिए उठेगी। असदुद्दीन ओवैसी की जबान उन बच्चों को जिनको यतीम बना दिया गया उन यतीमों के इंसाफ के लिए उठती आई और उठती रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी की आवाज एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि उनके यूथ नौजवानों के कामों को उनकी उम्मीदों को पूरा करने का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और मजलिस का साथ दीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आकर मुझसे कह रहे हैं कि मजलिस को डिवाइड करती है, बताओ मैं 2014-19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं ला, तुम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके, तो नाकामी और नाहली तुम में है। हम तुमसे कहना चाहते हैं कि संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को हम शिकस्त देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए और जो उम्मीदवार आपके सामने होगा उसको कामयाब करिए।